जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे वीर हनुमान जी का। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं जयपुर में हूँ और जयपुर से जा रहे हैं सामोद, जहाँ पे वीर हनुमान जी की मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, तो उसका दर्शन करेंगे। इन खूबसूरत हरे भरे नज़ारों से होते हुए, रास्ते से होते हुए पहाड़ी से सामोद जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं आसमान पहाड़ी। जैसे ही हम सामोद पहुंचते हैं, वहाँ पे 1100 सीढ़ियाँ हैं जिससे चढ़ करके हमें ऊपर जाना होता है। हालांकि लिफ्ट की भी सुविधा है, बट ये सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे, 1100 सीढ़ियाँ चढ़ के वीर हनुमान जी का दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये तकरीबन जयपुर से 45 किलोमीटर दूर है, तो मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपको यहाँ पहुँचने में। ये मूर्ति मंदिर के बारे में बताया जाता है कि 600 साल पुराना मंदिर है। 1519 ईस्वी में संत नग्नदास और उनके जो शिष्य थे लालदास ने 6 फीट की यहाँ पे मूर्ति स्थापित की थी। उसके बाद से इनका पूजा यहाँ पे होने लगा। ये जागृत भगवान में आते हैं, साक्षात जो भी मनोकामना मांगते हैं यहाँ पे पूरा हो जाता है वीर हनुमान जी के पास। देख सकते हो ऊपर से कितना बढ़िया नज़ारा है। चोमू तहसील में पड़ता है ये, जयपुर से निकलेंगे तो चोमू, चोमू से फिर सामोद, ये मेन गेट है वीर हनुमान जी का। बहुत ऊपर से थोड़ा सा देख सकते हैं ये नज़ारा, ये भगवान जी का मूर्ति प्रतिमा है, दर्शन कर लीजिए। 6 फीट का, बहुत ही जागृत भगवान है ये, जो भी मनोकामना मांगा जाता है अब पूरा हो जाता है। इसके पीछे की तरफ अगर चलेंगे तो दूसरी तरफ एक और टेम्पल है, वो भी पहाड़ी पे, काफ़ी बढ़िया व्यू है, 1-1.5 किलोमीटर दूर, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। जब भी आप जयपुर आइए तो एक बार वीर हनुमान जी मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा, मेरा ये सजेशन है। इजली यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। 1100 सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे जो टाइम लगा था वो 30 मिनट, और उतरने में मात्र 15 मिनट हो गया।